Hey, what's up everyone? क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे नैनोप्लास्टिया वाले वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक क्विक अपडेट दे सकूँ कि अब तक मुझे कैसा लग रहा है नैनोप्लास्टिया के बाद। पूरा जो कंपैरिजन वीडियो होगा नैनोप्लास्टिया, केराटिन, सिस्टीन वगैरह का, वो तो मैं अच्छे से अभी थोड़े दिन बाद बनाऊंगी जब नैनोप्लास्टिया मेरा फेड हो जाएगा पूरा। तो मैं बता दूं कि 1 month मुझे हो गया है ऑलमोस्ट नैनोप्लास्टिया कराए हुए। मुझे बोला गया था कि कैरेटिन का रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है नैनोप्लास्टिया, तो मैंने सोचा था कि जैसे कैरेटिन में होता है ना कि बाल थोड़े वेवी लगते हैं, फिर भी वैसे वेवी ही लगेंगे मे बी, क्योंकि कैरेटिन का रिप्लेसमेंट, ऐसा मुझे बोला गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेट हो गए मेरे बाल। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था कि मुझे एक्चुअली अपने नेचुरल वेव्स को मेंटेन करना था। तो फर्स्ट वीक जब मैं करा के आई थी तो मुझे लगा कि ठीक है यार, अभी स्ट्रेट है, मे बी एक दो बार शैम्पू करने के बाद थोड़े बाल वापस वेवी लगेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पूरे 100% स्ट्रेट हो गए जैसे आपको दिख रहा होगा अभी भी। दूसरी चीज जिस वजह से मैंने इस हालत में ये वीडियो बनाने का सोचा कि ये काफी ऑयल रिलीज करता है नैनोप्लास्टिया। मैंने मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन पहले शैम्पू किया था, और मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा शैम्पू नहीं करती, ठीक है, मतलब हफ्ते में एक बार शैम्पू करना प्रिफर करती हूँ। लेकिन नैनोप्लास्टिया कराने के बाद 3 दिन में ही मेरे बाल इतने ऑयली हो जा रहे हैं, ऐसी हालत हो जाती है आपके बालों की, और ये 2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाती है होना। क्या होगा ना कि पूरे बाल नहीं ऑयली लगेंगे, या तो फिर पूरे ऑयली लगे एक साथ तो ठीक लगे, ये ऊपर के ना स्कैल्प से पूरा ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक के बाल मेरे पूरे ऑयली ऑयली लग रहे हैं और नीचे के ड्राई लग रहे हैं, जिस वजह से मैं शैम्पू काफी मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है, बार बार शैम्पू करना पड़ रहा है। काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, कौन सा कंडीशनर यूज कर रहे हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली हो, ठीक है, मैं बिल्कुल जैसी मैं हूँ मैं वैसा ही आपको दिखाना चाहती हूँ। कोई भी झूठ या मास्क्ड एक्सपीरियंस बताना मैं नहीं चाहती। जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि फ्लोरेक्टिव प्रोफेशनल्स के प्रोडक्ट यूज होते हैं नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट में, तो W1 फ्लोरेक्टिव प्रोफेशनल्स का शैम्पू और कंडीशनर आता है, वही रिकमेंड किया था मुझे पार्लर में, और मुझे बोला गया था कि अगर मैंने वो शैम्पू नहीं यूज किया तो एक ही वॉश में या 2 वॉश में मेरा नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट वियर ऑफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्रीटमेंट को मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से मुझे कराने में पैसे लगे हैं 9000 समथिंग, ठीक है, और अगर आप 9000 दे के कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, और वो शैम्पू का मैं आपको कॉस्ट बताऊँ ना फ्लोरेक्टिव प्रोफेशनल्स, तो शैम्पू और कंडीशनर मिला के आप देखोगे ना तो 3000 समथिंग तो शैम्पू और कंडीशनर का मिला के कॉस्ट है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में पता है सबसे पहली चीज क्या आई, मैं तो इरिटेट हो गई कि यार एक तो 9000 दे के है ना मैंने ये ट्रीटमेंट कराया, क्यों कराया कि 3000 का शैम्पू यूज कर सकूं, सीरियसली। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं फ्लोरेक्टिव प्रोफेशनल्स का शैम्पू और कंडीशनर नहीं यूज करूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि एटलीस्ट किसी को तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा ना यार, और अभी तो बाल इतने ऑयली हो रहे हैं तो आपको हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू करना पड़े, तो क्या मतलब यार, मतलब आपके पैसे का पेड़ थोड़ी ना लगा है आपके घर पे। अब अच्छा होगा, आई डोंट नो, मे बी वो अच्छा शैम्पू होगा, अच्छा कंडीशनर होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं अपना जो नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर है मैं वही कंटिन्यू करूंगी, और जैसा कि मैंने बहुत वीडियोस में और कमेंट्स में भी बोला है कि मेरा फेवरेट शैम्पू है द डर्मा को का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो बहुत बढ़िया शैम्पू है। या तो मैं लॉरियल प्रोफेशनल्स का एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू यूज कर लेती हूँ, बेसिकली कोई भी सल्फेट या पैराबिन फ्री शैम्पू मैं यूज कर लेती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एंड कंडीशनर भी। और सच बताऊं आपको, अभी 1.5 महीना हो गया है मुझे, ठीक है, अभी तक मेरा नैनोप्लास्टिया वियर ऑफ तो नहीं हुआ है। मुझे पार्लर में बताया गया था कि 1 हफ्ते में अगर मैंने वो शैम्पू नहीं यूज किया फ्लोरेक्टिव वाला तो वियर ऑफ हो जाएगा नैनोप्लास्टिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कम्प्लीटली मेरे बाल हेल्दी हैं और काफी अच्छे से नैनोप्लास्टिया अभी तक लास्ट कर रहा है। अभी तक मेरे नए बालों की ग्रोथ भी नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, वो बहुत अननोटिसेबल है। और दूसरी चीज, मुझे बोला गया था कि ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑयलिंग में करूंगी तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कि ऑयल मत करो, महंगा शैम्पू यूज करो एंड ऑल स्टफ। तो यार सीधी बात है, मैंने बचपन से अपने बालों को ना ऑयल किया है और तभी मेरा हेयर फॉल कंट्रोल रहा है, ठीक है, मैंने इतने सारे ट्रीटमेंट कराए हैं अपने बालों में, 3-4 हेयर ट्रीटमेंट कराए हैं, चाहती तो मेरे बालों को मैं ऑयलिंग नहीं करती, और अगर मैं ऐसा करती ना तो बहुत डैमेज हो जाते अब तक बाल और बहुत झड़ जाते, ठीक है, तो ऑयलिंग के वजह से ही मेरे बालों का झड़ना कंट्रोल है और बाल हेल्दी है, ठीक है। अगर आप अंदर से
ही बालों को नरिश नहीं करोगे जस्ट बिकॉज कि आपने कोई ऊपर का हेयर ट्रीटमेंट कराया है और पार्लर में आपको बोला गया है, तो यार फिर तो बाल झड़ेंगे ना। मैं ऑयलिंग भी कंटिन्यू रखती हूँ, हर हफ्ते मैं ऑयलिंग करती हूँ, शैम्पू भी करती हूँ और जो शैम्पू मुझे पसंद है वो करती हूँ, और अब तक मेरा नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट सही से चल रहा है। तो आगे भी मैं यही कंटिन्यू करूंगी और आपको रिव्यू जरूर दूंगी कि क्या हुआ मेरे बालों का। और जहां तक जो हेयर फॉल की अपडेट है, तो एक चीज नैनोप्लास्टिया से मैंने नोटिस करी कि जितने भी मैंने अब तक ट्रीटमेंट्स कराए हैं, अब तक हेयर फॉल बहुत हो जाता है लेकिन नैनोप्लास्टिया में अब तक मेरा हेयर फॉल हुआ नहीं। पहले जितना होता था, इनफैक्ट उससे कम जरूर हुआ है हेयर फॉल, लेकिन बढ़ा नहीं है। तो हेयर फॉल वाली चीज में आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट। सो दैट वॉज इट फॉर द अपडेट्स टिल नाउ। आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या हुआ मेरे बालों के साथ। स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बाय बाय।